बढ़ते संकट के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा के डिप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ पीए की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। डिप्यूटी स्पीकर ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है, साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना टेस्ट करवाने को कहा है। गंगवा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, चिकित्सकों के निर्देश अनुसार बाकी के टेस्ट किए जा रहे हैं। आप सभी की दुआ से शीघ्र ही ठीक होकर आप सबके बीच वापस लौटूंगा। जो लोग गत दिनों मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं आइसोलेट होकर अपनी जाँच करवाएं। मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले डिप्यूटी स्पीकर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शहर के पटेल नगर में आयोजित पॉलिथीन भगाओ थैला अपनाओ कार्यक्रम और मुकलान में पौधरोपण कार्यक्रम में शिरकत की थी। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा के स्पीकर समेत कई मंत्री और विधायक भी पॉजिटिव पाए गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना से ठीक हो गए हैं, अब वो सरकारी कार्यों में पूरी तरह से व्यस्त हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद उन्होंने प्लाज्मा भी डोनेट करने का ऐलान किया है। इसी के साथ हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2305 नए संक्रमित मिले, तो 2574 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं 29 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 378 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 318 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 60 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 111,257 मरीज संक्रमण की चपेट में आए हैं। इनमें से 88,697 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं और 21,411 मरीजों का उपचार चल रहा है।